इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। लगभग 500 हेक्टेयर में फैला चौधरी साहब का प्लॉट, जिसके बीचों बीच बना फार्म हाउस, एक कोने में मछलियां और मगरमच्छों से भरा तालाब, तो दूसरे कोने में कुत्तों का बाड़ा जिसमें एक से एक खतरनाक कुत्तों को रखा गया है। इन सब की देखभाल के लिए उनका खास नौकर है भीमा, जो जितना वफादार है उतना ही जानलेवा भी। इलाके में चौधरी साहब के नाम का खौफ जमाने से चलता रहा है। सबको पता है कि ये मगरमच्छ से भरा तालाब कितने दरोगा मुंशियों की जान ले चुका है, और आज तक ना जांच हुई ना मुकदमा चला। साहिल पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था कि तभी पार्क के कोने में कुछ बिजली सी चमकती है, और अगले ही पल झाड़ियों से कुत्ता दौड़ता हुआ साहिल की तरफ आने लगा। साहिल भी कुत्ते के खूंखार दांत देख सक पका गया था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, साहिल ने देखा कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में किसी इंसान की कटी हुई मुंडी लिए एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साहिल और उसकी गर्लफ्रेंड डर गए थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ मेन गेट की ओर दौड़ पड़े, पर इससे पहले कि वो मेन गेट तक पहुंच पाते, वो शख्स हाथ में तलवार लिए दोनों के सामने खड़ा था। दोनों डर के मारे कांपने लगे थे। तभी वो कुत्ता वापस आकर कूं कूं करता हुआ तलवार वाले शख्स के पैर चाटने लगा। साहिल ने शख्स से तुरंत पूछा। इस पर उस शख्स ने कहा, कुछ नहीं यार, प्रैंक था, हम लोग यूट्यूबर्स हैं। उस शख्स के इतना कहते ही एक एक करके झाड़ियों से निकलते हुए बहुत से लड़के साहिल के सामने आ गए थे। तलवार पकड़े उस शख्स ने अपना नाम अंकित बताया था। सभी के बीच अब बातें होने लगी थी, एक मामूली सी मुलाकात जान पहचान में, और जान पहचान कब दोस्ती में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। फिर संडे टू संडे मीटिंग होने लगी, सभी लोग साथ मिलते और प्रैंक वीडियोस बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते। सब लोग एक टीम का हिस्सा बन चुके थे, जिसमें साहिल की गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। ऐसी एक दिन सब बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ही साहिल ने उन सबको रियल घोस्ट का वीडियो बनाने का आइडिया दिया, और ये भी बताया कि कन्नौज में उसने एक ऐसी जगह देखी भी है। फिर क्या था, सबको आइडिया पसंद आया और सभी दोस्त कन्नौज के लिए रवाना हो गए। 5 लोग, संजय, सुजीत, अंकित के साथ साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड मोना भी एक कार में बैठकर चल पड़े। कन्नौज पहुंचने में भी 10 किलोमीटर ही रहा था कि तभी कार का टायर पंक्चर हो गया। रात अपने उफान पर थी और चारों तरफ घना जंगल। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो रखी थी कि तभी सामने से मस्ती में साइकिल चलाता हुआ एक शख्स आता दिखाई दिया। अंकित ने उस शख्स की आंखों में मोबाइल की लाइट मारी तो वो शख्स आंखों के चौंधियाने की वजह से वहीं गिर गया। भैया, ये कन्नौज कितना दूर है यहां से? अंकित की इस बात पर शख्स ने कहा, आप कन्नौज में खड़े हो भाई साहब, बस 10 फलांग आगे कन्नौजवा है। एक्चुअली हमें कन्नौज नहीं बल्कि उसके आगे टिकरी नाम का जो गांव है ना, वहां एक पुराना गेस्ट हाउस है, वहां जाना है। मैं टिकरी के फार्म हाउस का नाम सुनकर साइकिल वाले उस शख्स के होश उड़ गए थे। उसने सबको सचेत करते हुए कहा, अरे का करना जा रहे हुआ, हमारी मानो तो मत ही जाओ, बहुत खतरनाक जगह है। पिछले साल कौन सिनेमा वाले गए थे उते, आज तक लौट के नहीं आए, लास्ट तक को पता नहीं चला बेचारन को। साइकिल वाले शख्स की बात सुन अंकित, संजय, सुजीत और मोना सब एक पल को सोच में पड़ गए थे। सबकी आंखों में साहिल के लिए सवाल था, जिसे भांप कर साहिल बोला, क्या बुड़बक है आदमी, गांव का अनपढ़ क्या जाने एडवेंचर क्या होता है, हमें तो रियल भूत का वीडियो भी बना रहा है यार। साहिल की बात सुन साइकिल वाला बोला, मरोगे सबके सब। इतना कहकर साइकिल वाला शख्स चलने लगा। सबकी नजरें उसे ही देख रही थी कि अचानक ही वो शख्स कुछ दूर जाकर हवा में गायब हो गया। एक शख्स के इस तरह से गायब होता देख पांचों की सांसें रुक सी गई थी, पर अब संजय टायर बदल चुका था। सभी लोग तुरंत ही कार में बैठ सीधा टिकरी गांव को चल दिए।
गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। कुछ देर आराम के बाद सब शूटिंग के लिए जंगल में अंदर चले गए। दिन भर आराम से शूट चलता रहा। अब रात हो गई थी। सब आराम से बैठकर बातें कर रहे थे कि साहिल बोला, अभी तो असली चीज शूट हुई नहीं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। कब तक हम नकली भूत के प्रैंक वीडियोस बना के अपने व्यूअर्स को उल्लू बनाते रहेंगे? अगर हम अपने YouTube के सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ाने हैं ना, तो हमें कुछ रियलिस्टिक दिखाना पड़ेगा। रियलिस्टिक सड़क छाप प्रैंक वीडियोस तो भरे पड़े हैं यार। साहिल ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भयानक चीख सुनाई दी। साहिल ने फिर कहा, आ गया जिसका हमें था इंतजार। कैमरा ऑन रखो, लाइव गोल दिखाएंगे आज यूट्यूब में। साहिल की बात मान संजय, सुजीत और अंकित पेड़ों पर और झाड़ियों में कैमरे छिपाने में लग जाते हैं कि अचानक ही आसमान से कोई चीखता हुआ साया आया और सुजीत को अपने साथ हवा में उड़ा ले गया। सुजीत जब जमीन पर गिरा तो वह अपने ही खून से लथपथ एक लाश बन चुका था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजीत की हालत किसने की। सब सुजीत का हाल देख इस जंगल से निकलना चाहते थे। कौन किस दिशा में भाग रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। संजय अभी कुछ ही दूर भागा था कि उसका पैर किसी फंदे में पड़ा और अगले ही पल वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। इधर मोना भी दौड़ती दौड़ती एक खड्डे में जा गिरी थी और जब उसे होश आया तो वो एक घनघोर काली अंधेरी कोठरी में पड़ी थी। घनघोर अंधेरा देख मोना मदद के लिए चीख रही थी, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था कि तभी उसने किसी शख्स के कराहने की आवाज सुनी। कौन है? मोना के पूछने पर उस शख्स ने कहा, मोना मैं संजय। बाकी सब कहाँ है? बाकी का पता नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही था। जैसे तुम खड्डे में गिरी मैं भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे कूद पड़ा और जब आग खुली तो इस अंधेरी कोठी में पाया। संजय की बात सुन मोना ने संजय से फिर से पूछा, साहिल कहाँ है? मुझे अकेला छोड़कर आखिर वो भाग कहाँ गया है? देखो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, बाद में झगड़ लेना, पहले ये डिसाइड करो कि यहाँ से निकलना कैसे है। संजय और मोना दोनों बात करते हुए यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगे। उधर जंगल में भटकते हुए अंकित को एक बूढ़ा शिकारी मिल गया। अंकित ने अपनी आप बीती उस बूढ़े शिकारी को बता दी, जिसे सुन वो बूढ़ा शिकारी बोला, डरने की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। वैसे ये जंगल नर बक्षियों के लिए बदनाम है, मगर मैं हमेशा अपने साथ राइफल रखता हूँ ताकि दरिंदों का आसानी से शिकार कर सकूं। अब तुम लोग एक सुरक्षित आदमी के साथ हो, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। यही पास में मेरा फार्म हाउस है, मैं तुम्हें वही लेकर चलता हूँ, चलो। इतना कहकर वो पूर्णा शिकारी अंकित को साथ लिए अपने फार्म हाउस को चल दिया था। काल कोठरी में संजय और मोना बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे कि तभी संजय ने अपनी टी शर्ट उतार कर उसे एक डंडे में लपेट कर मशाल बना लिया। संजय के पास लाइटर था, उसने तुरंत मशाल को चला दिया। रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई, पर उन्होंने अपने सामने जो मंजर पाया वह अत्यंत भयानक था, क्योंकि संजय और मोना इस वक्त कंकालों के ढेर के बीच में खड़े थे। इतने कंकाल देख मोना तो डर से कांपने लगी थी कि तभी कोठरी में किसी के अंदर आने की आहट और हुर्राहट दोनों सुनाई दी, जिसे सुन मोना ने कांपते हुए संजय से कहा, जान बचानी है तो भागो, और दोनों विपरीत दिशा की ओर दौड़ पड़े। बूढ़ा शख्स अंकित को साथ लेकर चौधरी साहब के फार्म हाउस के अंदर आ चुका था। अंकित जब अंदर गया तो देखा सामने कुर्सी पर एक और बुढ़ा पहले से ही बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि चौधरी साहब थे, जिसके सामने जाते ही उस बूढ़े शिकारी ने अपनी हैट उतार कर चौधरी साहब के सामने रख दी। चौधरी साहब ने भी अंकित को सिर से पैर तक एक बार देखा। अब बूढ़े शिकारी भीमा से कहा, भीमा जाओ बच्चों के जलपान का प्रबंध करो। चौधरी साहब की बात सुन भीमा अंकित को अंदर लेकर चला गया। अंकित सोफे पर बैठा पानी पी रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की के कांच पर गई, जिस पर खून के धब्बे थे
उसने जब पास जाकर देखा तो उसे संजय तड़पता दिखा। वो अपने खून में लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। संजय ने भी अंकित को देख लिया और वो इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अंकित को बताना चाह रहा था कि वो यहां से भाग जाए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। संजय इशारा कर ही रहा था कि तभी भीमा आया और उसने संजय की छाती को गोलियों से छल्ली कर दिया। संजय को मरता देख अंकित तुरंत खिड़की खोल भीमा पर टूट पड़ा। वो भीमा का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश में था कि तभी चौधरी साहब आए और दोनों को अलग करते हुए भीमा को 4-6 थप्पड़ रसीद कर दिए। चौधरी साहब की मार खाकर भीमा चुपचाप वहां से चला गया। इस बियाबा में रहते आदम खोर हो गया है नमक हराम साला। फार्म हाउस में इतने माल मवेशी भरे पड़े, साला उन्हें मार के नहीं खाता है। इंसानों का रोज ताजा गोश्त चाहिए इसको। ये कहते हुए चौधरी साहब ने संजय की बॉडी को उठा के सामने लगे ऑयल प्लांट की मशीन में डाल दिया। एक तरफ से संजय के जिस्म का खून और दूसरी तरफ से मांस के लोथड़े उस ऑयल प्लांट की मशीन से निकल रहे थे। अपने दोस्त का यह हाल देख अंकित उल्टियां करने लगा था, पर होश आते ही वो इस जगह से दूर जाने के लिए दौड़ पड़ा। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोर से हमला किया। इस वजह से अंकित भी उसी वक्त बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया और उसकी गोद में सुजीत का कटा हुआ सिर रखा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता साहिल वहां पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये देखो, ये हॉरर का बेस्ट यूट्यूबर, इसने अपने ही दोस्त की जान ले ली। अंकित अभी कुछ समझ पाता तो अभी चौधरी साहब वहां आ गए और उनके पीछे पीछे भीमा भी, जो मोना को अपने कब्जे में अपने साथ लाया था। हमारे पूर्वजों की वर्षों से सोई हुई आत्मा को जगाया है तुमने, अब तुम्हारे रक्त से हमारे पूर्वजों की प्यासी आत्मा को शांति मिलेगी और हमारी बंजर पड़ी जमीन लहलहा उठेगी। अंकित के कहते हुए चौधरी साहब ने खुद उसे गोलियों से भून दिया। अंकित की ऐसी बेरहम मौत देख मोना रोने लगी। उसने साहिल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी साहिल, आई लव यू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे जाने दो। मोना की बात सुन साहिल कुछ नहीं बोला, बल्कि अंकित की लाश को ठिकाने लगाने में लग गया। बहुत अच्छे दोस्त है तुम्हारे, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वर्षों से सोई कुल देवता की आत्मा को अब शांति मिल जाएगी, अब हमारा कुल भी खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा, अब अच्छी फसल होगी पूर्वजों की दी हुई इस बंजर जमीन में। साहिल गर्दन झुकाए अपने ताया जी की बात सुनता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। मोना भी चौधरी साहब की बात सुन चीखने लगी थी। मोना को चीखते देख चौधरी साहब उसे शांत कराने उसके पास आई थे कि मोना ने मौका देख चौधरी साहब की कमर में घुसी रिवॉल्वर निकाल चौधरी साहब साहिल और भीमा पर तानते हुए कहा, जाहिल हो तुम सबके सब, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इस पर चौधरी साहब साहिल को समझाते हुए बोले, समझा इस छोरी ने, बावड़ी हो गई है के? तू ही तो हमारे कुल की बहू बनेगी, छोरे जनेगी, चौधरी खानदान का वंश बढ़ावेगी। पर चौधरी साहब की बात सुन मोना ने बंदूक अपने ही सिर पर तान ली। तू है तुम पर, मुझे नहीं बनना कोई बहू वहू। मोना गुस्से में सबको बुरा भला बोले जा रही थी। मौका देख साहिल ने मोना की कनपटी पर एक जोरदार तमाचा चढ़ दिया। मोना के हाथ से रिवॉल्वर छूट चुकी थी। फिर साहिल मोना के बाल पकड़ उसे घसीटता हुआ बेडरूम के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। मोना की दर्द भरी चीख से सारा इलाका गूंज उठा। शाम का वक्त है, लॉन में चौधरी साहब बैठे चाय पी रहे हैं। भीमा सामने पालतू सुअर और कुत्तों को बारी बारी से मांस के टुकड़े डाल रहा है। गर्भवती मोना के पेट में 5 महीने का बच्चा है। मोना एक हाथ से पेट संभाले दूसरे हाथ में गमलों में पानी डाल रही है। तभी साहिल घर से बाहर निकलता है और ताया की गर्दन धारदार खंजर से काट देता है।
चौधरी साहब वहीं तड़पने लगते हैं। भीमा चौधरी साहब की लाश को घसीटता हुआ ले जाकर मगरमच्छ के बाड़े में डाल देता है। अधमरे चौधरी साहब का एक एक अंग मगरमच्छ नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं और चौधरी साहब तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मोना किसी जिंदा लाश की तरह मगरमच्छों के दांतों में चौधरी साहब के जिस्म के टुकड़े बड़े गौर से देखती रहती है। इधर साहिल भी चौधरी साहब की कुर्सी पर बैठ उसी घमंड और गुरूर में अपनी मगरमच्छों और कुत्तों को मांस खाता देख रहा था। चौधरी साहब के दो भाई थे, रुद्र प्रताप और तेज प्रताप। उस समय साहिल बहुत छोटा था और शहर में बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ा भाई रुद्र प्रताप जितना नेक और शरीफ था, तेज प्रताप उतना ही अय्याश और कमीने किस्म का इंसान था। पिताजी ने निकम्मेपन के चलते तेज प्रताप का जमीन जायदाद से पहले बेदखल कर दिया था, मगर बेसहारा तेज प्रताप पर तरस खाकर बड़े भाई रुद्र प्रताप ने उसे अपने पास रख लिया और वो उनका बहुत वफादार था। मगर एक शाम जब भीमा गांव में सामान लेने गया तो तेज प्रताप ने मौका पाकर रुद्र प्रताप और उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया और लाश को मगरमच्छों को खिला दिया। उसकी इस करतूत को भीमा समझ गया था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। पर उसने कसम खाई थी कि साहिल को इस बात का बोध रखेगा और सही वक्त आने पर भी इस राज का खुलासा करेगा। साहिल ने भी सही मौके का इंतजार किया और अपने माता पिता के खून का बदला लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।